साय की एपिसोड 2 में हम देखते हैं ईगो कोशिकावा को लड़कियां घेर कर पूछते हैं कि क्या तुम्हारा कारण मिडिल स्कूल के अच्छा नहीं था और क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ईको बोलती कि नहीं मेरा नहीं है। वो लड़कियां बोलती कि तुम इतनी प्रिटी हो और तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं। ईको बोलती कि मैं क्यूट हूँ लेकिन मैं थोड़ा पढ़ाकू हूँ। वो पूछते हैं कि तुम इस साल ही स्कूल से आधे में ही ड्रॉप कर लिया। ईको बोलती कि ये मेरा इंजर लेग के वजह से। ईको बोलती है कि मुझे स्कूल में जाने में थोड़ा तकलीफ होता था क्योंकि मेरी लेग इंजरी है ना, ये तो मेरे घर के पास है इसलिए मैं यहाँ पर ज्वाइन हो गई। इसलिए वो लड़की घबरा जाती है और बोलती कि सॉरी सॉरी सॉरी। एक लड़का आकर बोलता है कि कोशिकावा तुम फैसिलिटी ऑफिस में आ सकते हो, कुछ पेपर वर्क है। वो बोलती है कि हाँ आ सकती हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। और हमें रिसेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तेरू वही इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है। ईको कोशिकावा साय के बारे में क्या सोचती होगी। अभी उसके सामने एविएशन आ जाता है और बोलता है कि तुम किस बारे में सोच रही हो। उसे देखकर वो चौंक जाती है और उसे बोलती है कि तुम स्कूल टाइम पर यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें सब लोग देख लेंगे। बेउसा होटल खोल कर एक पेपर निकाल देता है और बोलता है कि तुम्हारा होमवर्क तुमने घर पर छोड़ दिया था। तेरू बोलता है कि थैंक यू लाने के लिए। और वो ईको कोशिकावा के बारे में सोचकर जा रही होती है। वो जाते हुए देखती है कि ईको अपना पैर पकड़कर स्टेयर के पास रो रही होती है। ये जाकर बोलती कि क्या हुआ क्या हुआ। ईको बोलती कि कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। तेरू बोलती कि तुम चलो मेरे साथ नर्स ऑफिस चलो। और उसे उठाकर नर्स ऑफिस ले जाती है और वहाँ पर उसका पैर नर्स देखती है। को डॉक्टर को बोलती कि मुझे अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। डॉक्टर बोलती है तुम्हें अभी थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। और पेपर वर्क काम करने के लिए वो फैसिलिटी रूम के अंदर उन्हें बुला लेती है। इको बोलती है कि साय ने मुझे बचाते वक्त ये इंजरी हो गया मुझे, लेकिन मैं जिंदा हूँ इस बात का मुझे खुशी है क्योंकि साय वहाँ पर नहीं आती तो मैं मर जाती। ये सुनकर साय वहाँ पर रोने लगती है। तभी ईको उसे पूछती कि तुम रो क्यों रही हो। तेरू बोलती कि कुछ नहीं, मेरे आँख में थोड़ा धूल चला गया। और बोलती है कि मैं मेरा मुंह धोकर आती हूँ। और वहाँ से ये बोलकर वो चली जाती है और वहाँ पर ईको बैठ जाती है कि आग के सामने कुछ डरावना सीन उसे याद आ रहा होता है। ये देख कर वो डर रही थी, को सब चीज काला दिख रहा होता है जैसे कि वो समुद्र के अंदर अंदर ही जा रही थी कि उसे कोई पकड़ लेता है जो कि एक लड़का होता है और बोलता है कि तुम कितना घटिया सोचती हो। ईको बोलती कि तुम कौन हो। वो बंदा बोलता है कि तुम्हारा घटिया सोच, तुम जितना रो रही हो ना इस वजह से तुम्हारे दिल पर ताला लग चुका है, ये सब तुम्हारा गलती है तो इसलिए तुम्हें ये पहनना होगा। तभी वो उसके हाथ में एक अंगूठी पहना देता है। तभी ईको के आँख से ब्लड निकलने लगता है और आँखें रेड हो जाता है। वो बंदा बोलता है कि तुम शर्माओ मत, तुम्हारा दिल को खोल दो। और यहाँ पर तेरू मुंह धोकर आ जाती है। तभी वो ईको को देखती है लाल आँख से और वो बंदा बोलता है कि दुनिया में बहुत दिल है लेकिन सबके दिल के ऊपर ताला पड़ चुका है, लेकिन सब लोग को लगता है कि उनके पास साफ दिल है इसलिए वो सब एक दिन मरेंगे, वो सभी एक केज में है। ये देखकर तेरू डर जाती है। अभी ईको का बाल काला हो जाता है और एक सिंग निकल आता है। ये देखकर तेरू धीरे धीरे डर रही थी और बोलती है कि तुम शांत हो जाओ, तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है। ईको बोलते कि मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है ये सब। अभी उसके शरीर के अंदर से बहुत सारे स्टील का क्रिस्टल निकलने लगता है। तभी वो बच्चा वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि ये इसका दिल है, ये उसका गुस्सा है, नफरत है, क्या ये सुंदर नहीं है। देखकर तेरू सोचती है कि ये लड़का यहाँ पर कैसे आया, तुम हो कौन भैया। वो बंदा बोलता है कि इसका दिल अभी तकलीफ में है इसलिए मैंने उसका दिल खोल दिया। तेरू बोलती कि तुम क्या बोल रहे हो। आबियोसान बोलता है कि तुम उसे थोड़ा दूर रहो क्योंकि उसका फिजिकल एनर्जी लीक हो रहा है, वो अभी उसका कंट्रोल खो रही है। तेरू तुम्हें जो बोला गया है वो ध्यान से करो, जो नहीं बोला गया है वो भी ध्यान से करो। आबियोसान बोलता है कि तुम्हारे सामने जो है वो काले दिल को कंट्रोल कर सकता है और तुम उसके साथ फाइट नहीं कर सकते हो। वो लड़का साय के बारे में जानता है
वो लड़का वो क्रिस्टल को आसान से तोड़ देता है। इस वजह से ईको को बहुत दर्द होता है और वो लड़का वहाँ से चला जाता है। अभी ईको तेरू के ऊपर हमला कर देती है। आबियोसन बोलता है कि तुम्हारे सामने जो है वो एक क्रिस्टलाइज हो चुका है, इसलिए तुम उससे दूर रहो। तू सोचती है कि ऐसा कैसे हुआ, सोचती है कि क्या ये कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। ईको तभी बुरी स्टोरी के बारे में बता रही होती है कि मेरे पेरेंट्स मर गए मुझे बचाते हुए, वो आग में उलझ गए मेरे सामने ही, मैं सिर्फ मेरे भाई को लेकर ही यहाँ पर जिंदा हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पर मरना था, ना कि मेरे पेरेंट्स को। तेरू उसे वहाँ पर समझाने की कोशिश करती है। तेरू ट्रांसफॉर्म होकर साय बन जाती है और जाकर ईको को पकड़ लेती है और बोलती है मैं तुम्हारा जरूर मदद करूँगी, लेकिन ईको नहीं सुनती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। कंट्रोल से बाहर जा रही होती है, तभी ईको को सारी पुराने याद आ रहा होता है, आते सब कैसे अपनी भाई के सामने नहीं रो पाई। जितने भी थोड़ा थोड़ा होश में होती है वो बोलती है कि तेरू तुम यहाँ से चले जाओ और बोलती है कि मेरी मदद करो। ताय उसका हाथ पकड़ लेती है, तभी ईको उसके ऊपर हमला कर देती है। तभी साय उसके पोर्टल खोलकर उसे उसके अंदर ले जाती है। तभी वो एक जगह में पहुंच जाते हैं। तभी ईको उसके ऊपर फिर से हमला कर देती है। साय आबियोशान को पूछती है कि मैं उसे फिर से नॉर्मल लाइफ में कैसे लाऊं। आबियोशान बोलता है तुम उसके उंगली से वो रिंग निकाल दो, वो फिर से उसी तरह हो जाएगी। वो जैसे ही आगे बढ़ती है उसका अंगूठी निकालने के लिए, वो हाथ क्रिस्टल बन जाता है और ईको उसी हाथ से उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन साय वहां से नहीं भागती है। साय बोलती कि तुम गिल्टी हो तो मेरे ऊपर हमला करो और तुम्हारे दिल को छोड़ दो मेरे दिल के साथ बात करने के लिए। ईको बोलती कि नहीं, मैं सब हीरो को हेट करती हूँ क्योंकि वो ठीक टाइम पर नहीं आए मुझे बचाने के लिए जब मुझे मदद चाहिए थी उनकी। और वो बोलती कि मुझे किसी की भी मदद नहीं चाहिए और वो उसके ऊपर हमला कर देती है। साय अपनी नाना जी के बातों के बारे में सोच रही होती है। सब लोग सिर्फ ये दिखाएंगे कि वो तुम्हारे मदद कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे कोई भी मदद नहीं कर रहा होगा। अगर तुम्हारे हाथ में जितने भी मदद हो सके तुम जरूर करना हो सब मदद, क्योंकि ये सब इंसिडेंट साय के साथ भी हुआ होता है क्योंकि साय के मम्मी पापा भी नहीं थे। तभी ईको का दिल के अंदर से आवाज आता है और साय का दिल आंसर देता है उसके मम्मी और पापा के चेहरे के तरह, क्योंकि बेटी हम तुम्हें बचाने के लिए मर गए इसलिए हम दुखी नहीं है, तुम खुश रहो, हम हमेशा यही चाहते हैं। तभी साय बोलती है कि ईको तू टेंशन मत ले, तुझे जब भी मदद चाहिए मैं तेरे पास होंगी हमेशा। ईको के सिर के ऊपर जो सिंग था वो टूट जाता है और हाथ में जो क्रिस्टल था वो भी टूट जाता है। साय उसके हाथ से वो रिंग निकाल देती है और साय वहाँ पर थक कर गिर जाती है और बोलती कि मैं ठीक हूँ, मैं ये अंगूठी निकाल दी। आबियोसान बोलते कि तुम्हें पता है ना इस रिंग को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं। साय बोलती कि मुझे नहीं पता। तभी हम देखते हैं वो बंदा पीछे से उन लोगों को देख रहा होता है और बोलता कि ये साय है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। तो यहाँ पर ही हमारा वीडियो खत्म होता है। साय लड़के की साय कहानी आपको कैसे लगी कमेंट कर मुझे जरूर बताना। बाय बाय गाइस।